राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 6:50 आज मेरा नंबर पड़ गया। बच्चों को स्कूल छोड़ा, उनकी बस में बिठाया और दूध लेके, दूध लाने का भी मेरा ही नंबर है आज। तो अभी जा रही हूँ दूध लेने। इसके पापा जल्दी ऑफिस चले गए, उनके पास टाइम नहीं था, सुबह जल्दी गए तो मेरा नंबर आ गया। तो चलते हैं दूध लेके आते हैं। ये आ गया हमारी चेची का भाई दूध लेने का। हाँ सुंदर है। अभी 4-5 दिन पहले भी मैं आई थी, उनकी चेची का ख़त्म हो गया था, इसी टाइम पे आई थी, बच्चों को छोड़े थे उस दिन भी। आज उस दिन मैं बोल गई थी कि रखना, आज से रखा है। वैसे तो ये लोग गाय को ना साफ सुथरे में रखते हैं, देखा धो दिया सुबह सुबह। इनके नीचे जो बिछा रखे नहीं गद्दे से, ये धो रखे हैं सारे। पता नहीं गेहूँ डाल रखे थे, गेहूँ था क्या था खाने के लिए, खा लिया। वो मारने आ रही है। तो ये देखो जी, छोटे छोटे मैंगो कितने छोटे छोटे लग गए पेड़ पे। इधर के घरों में बिल्लियाँ बहुत होती हैं। एक ये बैठी हुई देखो, ये बैठी। इधर के लोग ना हर घर में बिल्ली मिलेगी, क्योंकि ये लोग फिश खाते हैं, फिश खा के जो भी वेस्ट बचता है वो उसको डाल देते हैं, तो खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। हर घर में बिल्ली रखते हैं ये लोग, डॉगी से ज़्यादा इधर बिल्ली रखते हैं। इधर मुझे एक नीम का पेड़ मिला है, तो इसकी लकड़ी लेके आई हूँ योशियर के कान में डालने के लिए। सुबह के 7:20 जी दूध लेकर तो आ गई, पर घर की हालत देखो कैसी कर रखी है बच्चों ने। ये तो कुछ नहीं है, देखो कल क्या कर दिया ना, थर्माकोल वाली सीट रहती ना पूरे घर में, वही डाल दी देखो थोड़े थोड़े के, रिया और निशु पूरे घर में ऐसे ही डाल दी। ये देखो ये ना अभी झाड़ू में भी अच्छे से नहीं आएंगे, और ये ना यहाँ से तोड़ तोड़ के डाल दिए मछली वाले के नीचे लगा, यहाँ से तोड़ तोड़ के पूरे घर में फैला दिए दोनों ने। अभी झाड़ू में देखना परेशानी होगी। और मछलियों में जी आज तो ठीक है, इसमें कल भैया आए थे ट्विंकलर, तो उन्होंने इसमें कोई दवाई डाल ली है फंगस वगैरह ना लगे ना थोड़ा सा, मतलब इनके लिए। और अभी पानी इसमें ज़्यादा डाल दिया देखो, थोड़ा सा कम है अभी ना जी, आराम से तैर रही है। इसमें ना ज़्यादा पानी हो गया, और ये ब्लू कलर सा इसमें ऐसे, क्योंकि इसमें ना दवाई डाल ली थी जिसके कारण इसका कलर ना देखो ब्लू ब्लू सा हो गया। तो अभी आराम से तैर रही है, ज़्यादा पानी हो गया ना, इनको मिल गया अच्छे से तैरने के लिए। खुश लग रही हैं अभी तो ये, अभी खाना नहीं दिया है, थोड़ी देर में देंगे। तो पहले तो जी मोटा मोटा काम करते हैं, जैसे चादर वगैरह, चादर ठीक करती हूँ, ये मैच कवर वगैरह, मतलब ऊपर ऊपर का झाड़ू लगाऊंगी बाद में। और इधर रूम में भी जी सब कुछ नहीं किया है, मतलब बस उठ के बच्चों को रेडी करके, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, तो सब ऐसे ही पड़ा है। इधर भी ऐसे ही पड़ा है, इस कमरे में भी। तो अभी पहले ये ऊपर ऊपर का करती हूँ, क्यों फिर अभी सूरज देवता उग तो गए हैं पर दिख नहीं रहे हैं जहाँ पे मैं जाके बैठती हूँ ना, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर जाऊँगी धूप में। धूप में से फिर आके आज इसके पापा टिफिन कुछ भी नहीं लगे गए, जल्दी चले गए थे सुबह, तो अभी वो आएंगे फिर थोड़ी देर बाद, फिर टिफिन वगैरह पैक करूँगी। तो तब तक देखती हूँ ये काम करके, फिर धूप लेके आती हूँ, करते हैं काम। आ गए हैं जी, इतनी प्यारी धूप निकल गया ना, ठंडा सा मौसम है, धूप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सूरज देवता, बैठते हैं थोड़ी देर 15-20 मिनट। बिल्ली आ गई, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। सुबह के 11:30 बजे जी काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है। झाड़ू पोछा होने के बाद भी घर कितना सुंदर लगे है, और पहले के साल में था। तुझे अभी दूध गर्म करना है, और जी हस्बैंड ने ला रखे, मेरे को तो मेरी मछलियाँ अच्छी लग रही हैं, ऊपर ऊपर खूब मस्त होके तैर रही हैं अभी, खुश होके। और जी बालों में मैंने लगाया है आज, मुंह पे भी लगा लिया थोड़ा सा ना,
फ्लैक्स सीड जाल उसमें ऑयल मिला के कल योशी को लगाया था, आज मैंने लगा लिया। और मौसम एकदम बढ़िया, इधर की धूप ऐसी होती है ना दोपहर के, जनो अपने हरियाणा साइड में मई में होती है, अप्रैल मई में वैसी होती है, इतनी तेज हो रही है ना, ऐसे लगती है ना, चमकती है, मतलब सूरज देवता कहाँ है, देखा नहीं जाए सूरज की तरफ, तो नहीं देखते कहाँ है जी। हो गया सब काम ना, बाथरूम भी क्लीन कर दिया, बीच बीच में करते, एक दो दिन में तो करना ही पड़ जाता है। आज आए हैं जी और पेड़ों को नहलाया सारों को ना, पपाया कटा रखा है, मैंने बनाना शेक पी लिया है, ये खाना है अभी खाऊंगी, मतलब उठला जाइए। गाजर, अब गाजर आ गई, लाल वाली आ गई, तो बनेगा गाजर का हलवा। आज नए स्टाइल से बना रही हूँ, वीडियो देखती हूँ शॉर्ट या लॉन्ग कैसी बनेगी, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो नए स्टाइल से बनाएंगे गाजर का हलवा। और सब काम हो गया जी, बस अभी दूध गर्म रखती हूँ और इन गाजरों को छीलूंगी, ये काम शुरू करती हूँ अभी। 11:30 तो हो गए हैं, 12:30 हो जाएंगे, कम से कम एक घंटा तो लगेगा ही, छील लूंगी, फिर वीडियो के चक्कर में ज़्यादा टाइम लगता है, पता है आप भी कोई चीज़ बनाते हो ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फ़ोन इधर रखा इधर रखा, फिर बीच में रुक गए कभी कुछ हो, इस चक्कर में ना टाइम लग जाता है, तो सही से रिकॉर्ड हो रही नहीं हो, तो कर रहे हैं काम शुरू करती हूँ। आज है जी लंच में पुलाव, तो जो जो सब्जियाँ थी वो डाल दी, गोभी है, आलू है और गाजर है और सोयाबीन है, काजू और किशमिश, ये सब डालने हैं, तुझे खाते हैं, भूख लग रही है अभी, ये बनाया है, निशू छाट छाट के डालने लग रही है, ये करी पत्ते नहीं खाएगी, ये सब नहीं खाएगी, मिर्ची मैंने ऐसे इसमें ऑक्टोपस है, देखो ऑक्टोपस क्या है, ये ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस लग रहा है, है क्या ये मसाला है, ये खाते हैं जी पुलाव, खाते हैं जी पुलाव। 8:20 जी, ये देखिए मेरे बाबू क्या कर रहा है, मुन्ना क्या कर रहा है, अरे निशू क्या कर, ये देखो जी मच्छरदानी फट रही थी और निशु ने सिली, निशु साइड बेटे दिखाने तो दे अच्छे से, क्लियरिटी नहीं आ रही, मच्छरदानी दिख, देखो जी ये सिल दी मेरे बाबू ने, एक जगह से ये सिल दी, देख कितना अच्छा काम किया है, दो जगह से सिल दी, सुई लेकर, सुई कहाँ है रे, ये सुई, ये चुभवाएगी, सुई लगवाएगी अपने, ये सुई से जी दो जगह से सिल दी भाई, और भी फट रही है तो और भी ठीक कर ले, देखो पापा का, ये पापा ने गंदे से सिला रहे, मेरा मुन्ना मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा कितने कितने अच्छे अच्छे काम करने लगे, मैंने बोला था सुई ने रख दे, नहीं सुआ लग जाएगा तुझे सुई से जी। टाइम हो गया है खाने का और अभी मैं फोन का ही काम कर रही थी, ग्रीन टी रखे, ग्रीन टी पी रही, भूख बिल्कुल नहीं है, दोपहर को इतना ज्यादा खाना खाया जाए ना, और आज मैंने लगाया था फ्लैक्स सीड जेल उसमें ऑयल मिलाकर, तो मैंने जब हेयर वॉश किया तो मैंने शैम्पू बिल्कुल नहीं किया, मतलब ऐसे बाल ऐसे चिकने चिकने लग रहे थे ना, मेरे बाबू कोमला के लेके आए, चिकने चिकने लग रहे थे, तो मैंने शैम्पू नहीं, मैं सोची बिना शैम्पू के ही देखती हूँ कि कैसा है, तो ये देखो वाइट तो हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे हैं थोड़े वैसे हैं, मतलब जैसे तेल था ना उसमें, तो उससे वो है, जैसे अगर बालों में फ्रीज रहे ना ज़्यादा, तो इसको लगातार यूज करें ना, जैसे अभी जैसे लगाया तो अगली बार शैम्पू करूँ, फिर एक बार ऐसे ही लगाया एक दो दिन लगाओ, फिर हेयर वॉश मतलब शैम्पू से मत करो, नॉर्मल पानी से करो, तो फ्रीज कम कर देगा ये, अभी देखो फ्रीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत चिकना चिकना था, मैंने सोचा नहीं करती। और योशी के बालों में भी मैंने सेम लगाया था, लेकिन उसका मैंने हेयर वॉश किया शैम्पू से, तो उसके बाल भी दिखाते हैं उसके बाल कैसे हैं। योशी इधर आइए बेटा, इधर आओ। और जी निशु बोल रही है कि वो ओट्स खाएगी, तो उसके लिए ओट्स बनाती हूँ, और योशी भी ओट्स खा लेगी, मेरे को इसके पापा को बिल्कुल भूख नहीं है। अपनी हेयर दिखाओ, बैठो इधर, तेल लगा है, कॉम नहीं, तेल तेल क्यों लगा, बैठ, सारा चाहिए था ना, बताना चाहिए था, मैं वही बोल रही दिखाऊं, हाँ तो नीचे थोड़ी लगा है, इधर तो नहीं लगा है जी, ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा लगा, तेरे को बड़ा लगाना है, कैसे तेरे को बाल कैसे लगे, तेरे आपके बाल उससे धोए थे तो कैसे लगा, अरे कल ही तो लगाया था, तो कैसे लगा, तुझे नहीं लगा, अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जी, कल जैसे मैंने इसके बाल देखे थे, तो ऐसे बालों को हाथ से टच करके देखते हैं तो पता होता है ना, तो इसके बाल मुझे पहले से सॉफ्ट लग रहे हैं, ये देखो मैंने उस कल लगाया था ना, तब भी दिखाया था आपको इसके बाल पर, वही जैसे मतलब पता नहीं कैसे दिखे होंगे, वो नेचुरल लाइट में थे, अब ये जी घर की लाइट होने, क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो अभी घर की लाइट में दिखा रही हूँ, थोड़ा नीचे हो ना, ये देखो जी यो, लेकिन सॉफ्ट तो है, ऐसे फील कर रही हूँ मैं हाथ से, तो सॉफ्ट बाल लग रहे हैं, जो मांड का पानी लगाया था ना उससे तो बेस्ट मुझे फ्लैक्सीड जेल लगा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो भी 5 दिन तक लगाया, फ्लैक्सीड जेल मैंने पहले भी अपने बालों में लगाया था, तो उसका एक्सपीरियंस बेस्ट है, तो मांड के पानी से तो कहीं बेहतर है फ्लैक्सीड जेल। ये योशी के बाल है, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े, देखो शाइन तो ये आपको थोड़े लाइट में वैसे दिख रहे हैं, और सॉफ्ट भी हैं पहले से ना, तो ऐसा है जी, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो शैम्पू किया तो इसके बाल सॉफ्ट हो गए, ऑयल इसके बालों में नहीं है, लेकिन मैंने शैम्पू नहीं किया ना, तो मेरे बालों में ऐसे ऑयल सा है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं। और ये अभी ओट्स बनाते हैं, बच्चों को ओट्स खाने के लिए देते हैं, और थोड़ा टाइम से सो जाएंगे। फ्लैक्सीड जेल की तो जी मैंने डाल रखी है, मैंने 5 दिन तक लगातार फ्लैक्सीड जेल अपने बालों में अप्लाई किया था, इस वीडियो के नीचे मैं देखूंगी उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखना, बिल्कुल सच्चा रिव्यू है, ऑनेस्ट एकदम एक्सपीरियंस कि 5 दिन मैंने अप्लाई किया तो क्या क्या फर्क आया मेरे बालों में,
हर दिन मैंने मेहनत की थी, 5 दिन देखो, हर दिन हेयर वॉश करना, बालों में हर दिन लगाना, टाइम निकालकर, मुश्किल होती है थोड़ी ऐसी चीज़ें, लेकिन मैंने 5 दिन तक किया था, 5 दिन का ही लिया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तब ट्राई किया था, तो वो वीडियो देख लो, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो जी अभी बनाते हैं ओट्स और बच्चों को फिर देते हैं खाने के। गाजर का हलवा कब बनाओगे? और जी गाजर का हलवा भी बनाना, मैं तो भूल ही गई थी, तो अभी जाती हूँ एक गैस पे, तो इनका ओट्स रखती हूँ और एक गैस पे वीडियो शूट करनी है मुझे गाजर के हलवे की, थोड़े नए स्टाइल का रेसिपी आ जाएगी आप लोगों के पास, मस्त बनेगा। तो अभी गाजर का हलवा बनाते हैं, ओट्स बनाते हैं, दिन में बनाना था, दिन में टाइम नहीं मिला, तो अभी बना रही हूँ।